आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। 30 अगस्त को हिंदू धर्म के प्रमुख त्यौहार जन्माष्टमी का महापर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दुनिया भर में हिंदू धर्मावलंबी जन्माष्टमी पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में कृष्ण भक्तों द्वारा जन्माष्टमी पर अलसुबह से देर रात्रि तक अनेक आयोजन संपन्न हुए। इंदौर में बॉम्बे हॉस्पिटल के पास महालक्ष्मी नगर में श्री कृष्ण चौपाटी पर राय श्री मित्र मंडल के तत्वाधान में आयोजक धर्मेंद्र राय की अगुवाई में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर संगीतमय महाआरती का आयोजन संपन्न हुआ। आयोजन में महालक्ष्मी नगर रहवासी संघ के श्री महेश जोशी भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महालक्ष्मी नगर के महिला पुरुषों एवं बच्चों ने उत्साह के साथ जन्माष्टमी पर्व मनाते हुए राधा कृष्ण को झूला भी झुलाया। आयोजक धर्मेंद्र राय ने बताया कि महाआरती के आयोजन में क्षेत्र की मात्र शक्ति ने विशेष उत्साह दिखाते हुए भजनों पर नृत्यमय प्रस्तुतियां भी दी। प्रसाद वितरण के साथ आयोजन का समापन हुआ। कॉलोनी की महिलाओं से सबसे निवेदन करा था, घर घर से निकल के आई और यहाँ हमें आरती में अच्छा सहयोग करा। और कृष्ण भगवान का जन्मदिन मैंने इसलिए यहाँ मनाया कि सबको भगवान सुख समृद्धा और संपत्ति दे और सुख शांति दे।
आज देखा गया कि बड़ी संख्या में कॉलोनी की महिलाओं ने उत्साह के साथ और जेंट्स भी यहाँ पर उत्साह के साथ, बच्चे भी दिखाई दिए, क्या किस तरह से आपने सभी को यहाँ पर लाने का प्रयास किया था? मेरा ये प्रयास था कि इस समय कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल में मैंने जो भी सहयोग करा है यहाँ घर घर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी महिलाओं को मालूम था कि धर्मेंद्र राय यहाँ के निवासी है, और एक भक्ति का कार्यक्रम मैंने करा है बिना स्वार्थ और बिना राजनीति के, जिसमें हमारे साथ वार्ड नंबर 37 के सभी जुझारू कार्यकर्ता वगैरह कांग्रेस के भी और बीजेपी के सभी लोग आए, और रहवासी लोग भी, महिलाएं भी होता ही, ये पार्टी और राजनीति से हटके मैंने इस कार्यक्रम को ये करके ये बचाना चाहा है कि भगवान सबसे पहले है, बाद में सबसे पार्टी।